हेलो दोस्तों, आज हम गुलाब जामुन घर पे ही बनाएंगे जो कि हलवाई जैसे बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने लिया है मावा और पनीर, दोनों बराबर मात्रा में है, दोनों 100 ग्राम है। अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। ये पनीर है और ये मावा है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले तो मैंने आधा कप मैदा लिया, जितनी भी इसमें मैदा डलेगी उतनी हम डाल लेंगे। ये मावा और पनीर के ऊपर डिपेंड करता है कि मावा अगर आपका थोड़ा ढीला हो या पनीर ढीला हो तो मैदा कितनी डलेगी। मैं पहले आधी डालूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैदा डालने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें 1/4 कप मैदा लगी है। अब इसे हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरह से फेंटते जाएंगे, कम से कम इसे 5 मिनट तक करेंगे। ये मैंने 5 मिनट करीबन तक इसे इस तरह से मसल लिया है। ये इस तरह से डो बन के तैयार हो जाएगा, सभी चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। अब इसकी हम छोटे बड़े जैसे भी आपको गुलाब जामुन बनाने हो वैसे आप बना सकते हो। पहले तो इसे अच्छी तरह दबाएंगे, फिर इसे इस तरह से राउंड दे देंगे। आप इन्हें गोल भी रख सकते हो, मैं आज लंबे बना रही हूँ। इस तरह से मैं लंबे बनाऊंगी, सभी बना के तैयार कर लूंगी। ये सभी बोल बना के तैयार कर लिए। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने घी गरम कर लिया है। आप ऑयल में भी बना सकते हो और घी में भी बना सकते हो, लेकिन घी में ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। गैस सिम रखे इस समय, जितनी इसमें माएगी उतनी हम डालेंगे। इतनी मैंने रहने दी, इतनी मैं दोबारा करूँगी। अभी ने थोड़ी देर सिकने देंगे। गैस मैंने सिम रख रखी है अभी, और इसे अब सिकने देंगे। थोड़ा सा घी इनके ऊपर इस तरह से डालते रहेंगे। 1 मिनट बाद इन्हें हम टच करेंगे। 1 मिनट करीबन हो गया, देखिए इसमें कलर आने लग गया है। अब हम हाथ लगाएंगे, इसे इस तरह से घुमाते हुए पलट लेंगे। पहले तो पलट लेंगे, देखिए सिकने भी लग गए हैं। अब इन्हें घुमाते हुए इस तरह से सेकेंगे। इन्हें मैंने इस तरह से घुमाते हुए सेका है। अगर आपको लाइट पसंद हो तो आप लाइट सेक ले, ज़्यादा डार्क पसंद हो तो ब्लैक भी हो सकते हैं। ये मैं थोड़े से मीडियम सेक रही हूँ, थोड़े ब्लैक से थोड़ा सा कम सेकूंगी मैं। तो ये सेकने की चॉइस आप अपने ऊपर रखें कि कैसे आपको सेकने हैं। देखिए कितने अच्छे सिक गए, मैं थोड़ा सा और सेकूंगी। ये सिक गए, मैंने इस तरह से सेके हैं, इतने डार्क सेके हैं, देखिए कितने अच्छे बने हैं। अब इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। जब तक ये सिक रहे हैं तब तक हम चाशनी की तैयारी भी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है और आधा कप ही पानी लिया है। अब इसे गैस पर रख देंगे और चीनी को गलने देंगे। ये चाशनी इस तरह से बना ली है, इस तरह से देख ले, बस ज़्यादा चिपचिपी नहीं, बस हल्की सी। बस चीनी गलने के बाद 1 मिनट और पकाए और इस तरह से मैंने पतली रखी है। ये मैंने सभी गुलाब जामुन फ्राई कर लिए हैं। अभी इन्हें इसमें डाल देंगे चाशनी में। चाशनी थोड़ी सी ठंडी होए उसके बाद ही गुलाब जामुन इसमें डालें और मिक्स कर ले इसे, और इसमें इसी तरह 1 से 2 घंटे तक इसी में रहने देंगे ताकि ये चाशनी अंदर से पी ले। चाशनी गरम गरम नहीं डालें, बस 1 मिनट थोड़ी ठंडी करें, उसके बाद ही इसे चाशनी में डालें। देखिए आया ना इसका कलर कितना अच्छा। अब इन्हें इसमें रहने देंगे। 2 से 3 घंटे मैंने चाशनी में भीगे रहने दिए। पूरी चाशनी मेरी गुलाब जामुनों ने पी ली है। मैंने आधा कप की बनाई थी, आधा कप चीनी की बनाई थी। अगर आपको कम लगे तो आप टोटल 1 कप की चीनी की चाशनी बना सकते हो, लेकिन चाशनी मैंने जैसे बताई है वैसे पतली ही बनाए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बताए। बस चीनी गलने के बाद 1 मिनट पकाए, उससे ज़्यादा नहीं रख के। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारे गुलाब जामुन बने हैं, देखिए। तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए। अब इसे मैं गार्निश कर देती हूँ। थोड़े से हम पिस्ता ले लेंगे, और थोड़े से बादाम डाल देंगे। ये हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए। तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए। मेरे आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।